لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه وياسين، سيدنا مولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا غوثنا غياثنا مولانا مولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين عليه الصلاة والسلام وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين عليه السلام وبغض زيارته. الحمد لله كما هو أهل. परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है, उसका करम है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये शरफ़ फिर से बख्शा कि हम सरज़मीने करबलाए मुक़द्दसा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौक़े अरबईन पर अपने वक्त के इमाम इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में कुछ पुरसा पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, और तमाम कायनात जहान से हर वो इंसान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रग़बत रखता है, इमाम हुसैन की चाहत का दम भरता है और इमाम हुसैन पर मरने के लिए तैयार है, हर वो शख्स जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत अल्लाह ने वदियत फरमाई है, वो सरज़मीन करबला की तरफ मौक़े अरबईन पर खींचा चला आता है। इसलिए कि ये सरज़मीन करबला अपने आप में एक मकनातीसी हैसियत रखती है जो अपनी तरफ अपनी जानिब लोगों को खींचती है। जिस तरीके से मकनातीस अपनी तरफ लोगों को खींचती है, उसी तरीके से ये ज़मीन करबला अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे करती है, और पूरी कायनात जहान में पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक सरज़मीन ऐसी है जिसको करबलाए मुक़द्दसा कहते हैं कि जिसकी तरफ तमाम आलम तमाम जहान तमाम दुनिया मुतवज्जे है, और इस सरज़मीन का हक़ है कि हर इंसान इस सरज़मीन की तरफ मुतवज्जे रहे। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरे आबोताब पूरे जोश और खरोश और जज्बे ईमानी के साथ मनाया जा रहा है और मनाया जाता है, और इंशाअल्लाह तादम हयात मनाया जाता रहेगा। वक्त की तंगी, ज़माने के हालात, हुकूमतों की तंगी इस अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मनाने में खलल वाक़े नहीं कर सकती, इसलिए कि ये अल्लाह का अतिया है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है जो अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बख्शा है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरज़मीन करबला पर अपना जो कुछ था वो सब कुछ लुटा दिया, और अल्लाह के ज़िक्र को इमाम हुसैन ने बाकी रखा। अब अल्लाह की भी ज़िम्मेदारी है कि ता क़यामत इमाम हुसैन के ज़िक्र को बाकी रखे। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती भेजा जाए, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के कहने से आता है, नहीं, बल्कि सरज़मीन करबला पर और बिलखसूस अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उसकी हाज़िरी होती है, उसका हुजूर होता है, जिसकी तरफ से अल्लाह वहदहु ला शरीक उसके लिए खैर चाहता है। इसी वजह से जो हदीस और जिस हदीस मुबारका को मैंने उन्वान सुखन करार दिया है, उसमें ज़ाहिर तौर पर यह बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि इंसान खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से सरज़मीन करबला और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मौक़े अरबईन पर
और अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ की बारगाह में ताज़ियत पेश करने के लिए ख़ुद से चला आता है। नहीं, न जाने कितने पैसे वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, न जाने कितने अरबपति, करोड़पति, लखपति मौजूद हैं, मगर जब तक उधर से अल्लाह की तरफ से इशारा नहीं हो जाता वो सरज़मीन करबला पर नहीं आते। इसकी मिसाल और इसकी वाज़ दलील इस हदीस ही में मौजूद है जिसमें इमाम फरमाते हैं, मन अरादल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिससे खैर का इरादा चाहता है तो खैर का इरादा अल्लाह जिससे चाहता है तो फिर क्या करता है, मन अरादल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिससे खैर का इरादा चाहता है, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम, परवरदिगार जिससे खैर का इरादा चाहता है उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत को वदियत कर देता है, व ज़ियारत ही, और इमाम हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत को, इमाम हुसैन की ज़ियारत की चाहत को दिल में पेश कर देता है। तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, यह अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि जब अल्लाह की तरफ से खैर होती है, जब अल्लाह की तरफ से खैर होती है तो इंसान के कदम खुद ब खुद ज़मीन करबला की तरफ चलने लगते हैं, इंसान की तरफ खुद ब खुद मौके अरबईन पर इंसान ज़मीन करबला पर आ जाता है। इसलिए कि यह अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह जिससे खैर चाहता है उसे ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमाता है। न जाने कितने पैसे वाले लोग हैं, नहीं इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे गरीब हो, मुफलिस हो, मिस्कीन हो, फ़कीर हो, फ़कीर भी आ जाता है, मिस्कीन भी आ जाता है, बस शर्त यह है कि अल्लाह उससे खैर का इरादा चाहे, और अल्लाह जिससे बुराई का इरादा चाहता है तो क्या करता है, उसके दिल में बुग़्ज़े हुसैन हो जाता है, उसके दिल में बुग़्ज़े हुसैन वदियत फरमाता है, और बुग़्ज़े हुसैन के साथ साथ ज़ियारत बुग़्ज़े हुसैन भी उसके दिल में पैदा हो जाता है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इमाम हुसैन की ज़ियारत का शौक़ अपने दिल में रखने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे वो सरज़मीन करबला पर आए हों या ना आए हों, चाहे वो अपने वतन में मौजूद हों, लेकिन जिसके जिस जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है, इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की तमन्ना है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उन सब से खैर का इरादा किया है, अल्लाह ने उनके दिल में खैर किया है, अल्लाह ने उनके दिल में खैर को मदद फरमाया है। यही वजह है कि परवरदिगार आलम की तरफ से जब उनके दिल में यह खैर वाक़ हुई है तो उन्होंने मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इज़हार किया है, और ये अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिहाम जिस मकाम पर होता है वो अरबईन इमाम हुसैनी अलैहिस्सलाम सरज़मीन करबला पर होता है। सरज़मीन करबला पर इसकी कोई मिसाल नहीं है, सरज़मीन करबला के अलावा जहाँ पर इतना इज्तिहाम, जहाँ पर इतनी क्राउड, जहाँ पर इतनी भीड़ एक शख्स की कब्र की ज़ियारत के लिए कहीं मिलती हो। आखिर कौन ये शख्स है, आखिर क्या इसका कारनामा है, आखिर क्या इसका इसार है, आखिर क्या इसकी कुर्बानी है कि जो तमाम दुनियाए जहान के इंसान इस एक शख्स की ज़ियारत के लिए अपना आराम छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, अपना वतन छोड़कर इस एक शख्स की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस शख्सियत के ज़रिए से कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम पजीर हुआ है कि अल्लाह वादहु ला शरीक इसकी यादगार को हमेशा और हमेशा के लिए यादगार रखना चाहता है और बरकरार रखना चाहता है। यही तो वजह है कि इमाम हुसैन ने सरज़मीन करबला पर, नवासे रसूल ने सरज़मीन करबला कर, करबला पर रसूल के दीन और अल्लाह के दीन और अल्लाह की किताब को अपनी जान देकर, अपना इसार और कुर्बानी देकर, अपना घर लुटाकर ऐसा बचाया है कि कयामत तक अब कोई भी दीन में खराफात करने वाला वाकई नहीं होगा, कयामत तक अब कोई बैत लेने वाला नहीं होगा। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने सरज़मीन करबला पर अपना सब कुछ लुटा दिया। अब अल्लाह की भी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि कुरान की भी आयत फ़ज़ करूँ नहीं वज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। इमाम हुसैन ने तमाम ईसार, तमाम कुर्बानी अंजाम देने के बाद अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह का ज़िक्र को फरामोश नहीं किया, तो अल्लाह ने भी वादा किया है, हुसैन अब मैं भी तेरे ज़िक्र को फरामोश नहीं होने दूंगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर
ये कनात ये इस चैनल के ज़रिए से जो पूरी दुनिया में प्रोग्राम नशर किया जा रहा है ताकि बताया जाए दिखाया जाए कि कायनात जहान में एक शख्सियत ऐसी है, कायनात जहान में एक शख्सियत ऐसी है कि जिसके ज़्यारत के लिए हुजूम के हुजूम करबला मुअल्ला में हाज़िर होते हैं, जिसकी ज़्यारत के लिए करोड़ों लोग सरज़मीन करबला पर आते हैं, आखिर कौन वो शख्सियत है। और हम इस अरबाइन के मौके पर यह प्रोग्राम करके पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि आखिर क्या कारनामा है इमाम हुसैन का, आखिर इमाम हुसैन ने ऐसी कौन सी कुर्बानी दी है कि जो इतनी दुनिया और इतनी मखलूक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत के लिए करबला मुकद्दसा पर चली आ रही है। और इस प्रोग्राम का चूँकि उनवान अरबाइन इमाम हुसैनी से और इमाम ज़हूर अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक इसको मुंसलिक किया गया है, यानी अरबाइन इमाम हुसैनी अलैहिस्सलाम और इमाम असर अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़हूर। तो इस मौजू को मुख्तसर करते हुए कुछ नुकात इस तरीके से बयान करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अरबाइन की इफादियत क्या है, अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो जिस पर हर इंसान चाहे वो कितनी ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हो, चाहे वो एयर कंडीशनर रूम में बैठा हुआ हो, चाहे ऐशो आशाइश की ज़िंदगी गुजार रहा हो, लेकिन जैसे ही अरबईन इमाम हुसैन का वक्त आता है, अरबईन इमाम हुसैन का मौका आता है, तो हर वो शख्स जो एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर सरजमीन करबला की तरफ चला आता है। वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ आने के बाद धूप और गर्मी की शिद्दत में आने के बाद अपने मौला अपने आका इमाम हुसैन की ज़्यारत करता है और इमाम हुसैन की ज़्यारत से मुशर्रफ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान के दिल में सवाल उठ सकता है, मोमिनीन के दिल में भी सवाल उठ सकता है कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले ज़्यारत इमाम हुसैन का फ़ायदा ये है कि जो शख्स ज़्यारत इमाम हुसैन करता है अल्लाह उसे बेपनाह अजर व सवाब अता करता है, अल्लाह उसे बेपनाह अजर व सवाब अता करता है। इसलिए कि बहुत सारी हदीस हमारे पास मौजूद हैं, बेशबहा हदीस हमारे पास मौजूद है जिसमें ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सवाब के दर्जात बताए गए हैं। जनाब हुसैन बिन सुहैर बिन अबी फाख्ता से रिवायत नकल है, क्या रिवायत है, काला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम मन खरजा मिन मंजिल ही व युरीदो ज़्यारता कब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इन काना माशियन कतबल्लाहु लहू बिकुल खुतवतिन हसना व महा अनहु बिकुल खुतवतिन सैया। यानी क्या है, इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, किससे फरमा रहे हैं, सहाबी से फरमा रहे हैं, सहाबी का नाम क्या है, हुसैन बिन सुहैर बिन अबी फाख्ता, उससे फरमा रहे हैं कि ऐ हुसैन देखो जो शख्स भी अपने घर से करबला की ज़्यारत के लिए निकलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत के लिए जो शख्स भी अपने घर से निकलता है तो उसका सवाब और उसका अज्र और उसका प्रॉफिट क्या है, इन का नमाशियन अगर वो पैदल चल रहा है, अगर वो पैदल इमाम हुसैन की ज़्यारत के लिए जा रहा है तो क्या है, लिबिकुल खुतवतिन कतबल्लाहु लहू बिकुल खुतवतिन, परवरदिगार आलम मालिक कायनात मालिक दो जहान रब कदीर अला कुल शैन कदीर उसके नामे आमाल में उसके उस हर कदम उसके उस उठने वाले हर कदम के बदले जो मरकदे इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं, हर कदम के बदले हसनात लिखे जाते हैं, उसके हर कदम के बदले नेकी लिखता है, वह महान हो सैया और हर कदम के साथ साथ जैसे ही वो हर कदम उठाता है बुराई उससे मिटा दी जाती है। तो कितना सवाब है ज़्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, हर कदम के ज़रिए हर कदम के बदले उसे नेकियाँ दी जाती हैं और हर कदम के बदले उसकी बुराइयाँ मिटा दी जाती है। फिर हदीस यहाँ नहीं रुकती, हदीस आगे बढ़ती, हदीस कहती है फ़ाइज़ा सारा फिल हायरे फ़ाइज़ा सारा फिल हायरे कतबहुल्लाहो
من المنتجبین والمصلحین, بس جب وہ حائر میں پہنچ جاتا ہے, جب قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ وحدہ لا شریک اس کا نام مصلحین میں لکھ دیتا ہے اور مصلحین کے ساتھ ساتھ منتجبین میں لکھ دیتا ہے. پھر آگے روایت بڑھتی اور کیا کہا, حتی اذا قضا مناسکہ, حتی اذا قضا مناسکہ, اور جب وہ اپنی زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے اور جب زیارت کر لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, کتبہ اللہ من الفائزین, جب وہ زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو کاہے میں لکھتا ہے, اس کا شمار فائزین میں کرتا ہے. اور فائزین کون ہیں, فائزین وہ ہیں کہ جس کے لیے اللہ پروردگار کا منتخب کردہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یعنی جو زیارت کر لیتا ہے, زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے اس حدیث کے ذریعے سے, حتی اذا سارا مناسکہ ہو تو کیا ہوتا ہے, کتبہ اللہ من الفائزین, اللہ وحدہ لا شریک اس کا شمار فائزین میں کرتا ہے. پھر روایت آگے بڑھتی اور کہا, حتی اذا اراد الانصراف, اور جب وہ زائر امام حسین وہاں سے پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے, زیارت کرنے کے بعد پلٹتا ہے, اتاہ ملکن, تو پروردگار عالم اس کے اوپر اس کے لیے ایک ملک عطا کرتا ہے جو ایک فرمان لے کر آتا ہے اور کہ اس زائر امام حسین سے کہتا ہے انا رسول اللہ یقرؤک السلام, اللہ کا رسول تمہارے اوپر سلام بھیجتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ اب استعانف العمل, اب اپنے عمل کی ابتدا دوبارہ کرو, شروعات اپنے عمل کی دوبارہ کرو, اس لیے کہ تمہارے جتنے بھر گناہ تھے, تمہارے جتنے ذنوب تھے, وہ اس زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں سارے بخش دیے گئے ہیں, سارے معاف کر دیے گئے ہیں. تو کتنا اجر اور ثواب ہے, بے پناہ اجر اور ثواب, جو کہ اس حدیث کے حوالے سے. دوسری حدیث جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں فرمایا گیا ہے, جناب ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یکون فی جوار النبی و جوار علی و فاطمہ فلا یدع زیارت الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہو جائے, یا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی ہو جائے, جناب خاتون قیامت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا پڑوسی اور ان کے جوار میں ہو جائے, تو اس کی ذمہ داری یہ ہے اگر اسے یہ سب چیزیں چاہیے تو وہ زیارت امام حسین کو ترک نہ کرے. عزیزو, یہ جو شخصیات ہیں دنیا کی سب سے اہم ترین, دنیا کی سب سے مہم ترین شخصیات ہے, اس لیے کہ آپ آج کے زمانے میں دیکھیے, اگر کسی کا گھر کسی اچھی کالونی میں ہو جاتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے, اگر کوئی سی ایم کی کالونی میں رہنے لگتا ہے یا ڈی ایم کی کالونی میں رہنے لگتا ہے تو اپنے آپ میں فخر کرتا ہے اور لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ میں سی ایم کی کالونی میں رہتا ہوں, ڈی ایم کی کالونی میں رہتا ہوں. لیکن یہاں حدیث جو کہہ رہی ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو جوار نبی میں جگہ دی جائے گی, اس کو نبی کا پڑوسی بنا دیا جائے گا, اس کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی بنا دیا جائے گا, اس کو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے جوار میں جگہ دی جائے گی, یعنی مالک کائنات کے جوار میں جس کو جگہ مل جائے پھر اس سے بڑی اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ دوسرا فائدہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تیسرا فائدہ, محمد بن جعفر ذرار سے روایت نقل ہوئی ہے, امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر امام حسین زیارت کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے, یعنی جب زیارت کرتا ہے, تو اس کا زیارت کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی زائر امام حسینی علیہ الصلاۃ والسلام زیارت امام حسین کرنے کے لیے اپنے گھر سے ودا ہونے کے بعد پہلا قدم اٹھاتا ہے,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ायरे हुसैनी के तमाम गुनाहों को बख्श देता। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा सवाब, कितना बड़ा अजर, बेपनाह अजर व सवाब की हामिल है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यानी इंसान अपने अजीज व अकरबा से मिलने के बाद जब पहला कदम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बढ़ाता है तो अल्लाह उसके तमाम के तमाम गुनाह बख्श देता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। चौथा फ़ायदा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, चौथा फ़ायदा क्या है? हदीस में वारिद हुआ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शख्स ज़ियारत करता है, मासूम से किसी ने पूछा कि मौला अदना सवाब क्या है, सबसे कम सवाब ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या है कि जो शख्स ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करे उसका अदना से अदना सवाब क्या है? इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम अदना से अदना सवाब पूछना चाहते हो तो सुनो, जो शख्स ज़ाहिर इमाम हुसैनी होता है, जो शख्स इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है तो खुदावंद आलम अल्लाह जल्ले जलालहू बेनफ्स नफीस खुद उसकी भी हिफाजत करता है और उसके अहल की भी हिफाजत करता है। अल्लाह अकबर, जब वो ज़ियारत करने के लिए आता है तो अल्लाह उसका हाफिज़ बन जाता है, उसके अहले खाना का हाफिज़ बन जाता है। हत्ता यरद्दहु इला अहले, यहाँ तक कि वो अपने अहले खाना तक पहुँच जाए, यानी जब तक अपने घर तक नहीं पहुँचता, अपने अहले खाना तक नहीं पहुँचता, परवरदिगार आलम उसका हाफिज़ होता है, उसका मददगार होता है, उसकी हिफाजत करता है और क़यामत के रोज़ भी अल्लाह वादौला शरीक उसका हाफिज़ होगा। पाँचवीं हदीस जिसमें ज़ियारत इमाम हुसैन की इफादत के बारे में बयान फरमाया जाता है, हदीस में मिलता है कि रोज़े क़यामत, क़यामत के रोज़ जब महशर का हंगाम होगा, जब अफरा तफरी का आलम होगा, जब नफ्सा नफसी का हंगाम होगा, उस वक्त जब ना माँ किसी के काम आएगी, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना भाई भाई के काम आएगा, उस वक्त के हंगाम में, उस वक्त के हंगाम में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़वाद कितने होंगे। उस वक्त ज़व्वारे इमाम हुसैन का दर्जा अल्लाह वादहु ला शरीक तमाम मखलूक के सामने पहचनवाएगा, तमाम कायनात की मखलूक के सामने ज़व्वारे इमाम हुसैन का दर्जा, उसकी शान शौकत पहचनवाएगा। वो कैसे? हदीस में मिलता है कि जब योम क़यामत, रिवायत में मिलता है कि जब योम क़यामत होगा, रोज़े क़यामत में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये ख्वाहिश ना करे कि हम इमाम हुसैन की ज़ियारत करें, इसलिए कि जब वो ज़व्वारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ओहदा और मर्तबा देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे, ऐ काश हम भी ज़ायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से होते। अब इसका तीसरा फ़ायदा हुसूल सनद मोमिन है, इसलिए कि जो ज़ियारत अरबईन करता है खसूसी तौर पर, वैसे तो ज़ियारत पर आते हैं सब करते हैं, उसका बहुत सवाब है नहायत, ये तमाम अहादीस उसी के लिए हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर अरबईन पर आता है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स ज़ियारत अरबईन करता है उसे सनद मोमिन मिल जाती है, यानी उसे सनद मोमिन मिल जाती है, यानी वो मोमिन हो जाता है। मोमिन की अलामातुल मोमिन खमसुन, सलात अहदा व खमसीन, सलात अहदा व खमसीन व तख़त्तुम फ़िल यमीन, ताफ़ीरुल जबीन वल जहर बि बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम व ज़ियारतुल अरबईन, वो अरबईन की ज़ियारत से वो मोमिन हो जाता है। और फिर ज़हूर इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से रब्त अरबईन का ये है कि जिस तरीक़े से पहले, जो है ज़ियारत पर कम अफराद आते थे और फिर ज़ियारत पर ज़्यादा अफराद आने लगे, इसीलिए इसी तरह बिल्कुल ज़हूर इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ पर भी पहले कम अफराद आएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे। हम दुआगो हैं परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमारे तमाम वो अफराद जो इस साल ज़ियारत अरबईन नहीं कर सके हैं, परवरदिगार उन्हें ज़ियारत अरबईन की तौफीक अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।